कृष्ण कहते हैं, हे परम तपस्वी अर्जुन, धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर इस संसार में आते जाते रहते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म, धर्म और भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान ने कृपा करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य तन दिया है। ऐसे मोक्ष के सुअवसर को पाकर भी हम जन्म-मरण की परंपरा में चले जाते हैं। यह देखकर मानो प्रभु पश्चाताप करते हुए सोचते हैं, मैंने इसको मनुष्यतन क्यों दिया? जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। जिस प्रकार हवा आसमान को छोड़कर कहीं रह नहीं सकती, इस प्रकार तीनों लोकों और 14 भुवन में घूमने वाले जर चेतन सभी प्राणी मुझ में ही रहते हैं। फिर देर किस बात की, इस संसार में रहते हुए तुम मेरे हो जाओ। मूर्ख मनुष्य अपने ही समान साधारण शरीर वाला समझते हैं, इसलिए वे सभी जीवात्माओं को परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते। कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञानी मनुष्य भगवान के अलौकिक प्रभाव को समझ नहीं पाते। वे भगवान को भी अपने ही तरह लौकिक और साधारण समझने की भारी भूल करते हैं। जो भक्त सांसारिक मोहमाया को छोड़कर देवीय स्वभाव के धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्यम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का भजन करते हैं, वो मेरे हो जाते हैं। भगवान का भजन किसी तरह से किया जाए, उससे लाभ ही होता है, किंतु भगवान के साथ अनन्य होकर हम हे राम जी के राम जी हमारे ऐसा नाता जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हुए मेरा उपासना करता है, वो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है। उस मनुष्य की भी सभी आवश्यकताएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम शक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ में स्वीकार करता हूँ। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान श्री कृष्ण ने खा लिया और पूरे त्रिलोक को तृप्त कर दिया, गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प लेकर भगवान को अर्पण किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया, शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कभी भी जाते शबरी की फलों की प्रशंसा करते रहे। रति देव ने भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल ही नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। विदुर जी की पत्नी ने प्रेम के आवश में भगवान को केले के छिलके देती है, भगवान उन छिलकों का बड़े प्रेम से पाने लगते हैं। देखिए, जब भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भूख लग ही जाती है।